क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आई है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते, कोड्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो सभी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का ऑफ देखने को मिलेगा। तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। और आज का वीडियो भी है रीसेलिंग वीडियो, जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी आउटफिट है सभी रीसेलिंग में है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कॉन्टेक्ट करना है, वहां पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो करिए एंड मुझसे कनेक्ट रहिए, उसके थ्रू ही आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी करना, बिकॉज थोड़ी ही देर में वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो सभी की मीशो प्राइस, रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, तो आप देखते रहना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। एंड इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा मुझे इंस्टा पे भी आ रही थी, इसके कमेंट भी बहुत सारे आए, तो मैंने सोचा पिक करती हूँ। एंड रियली मुझे भी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, मतलब कोर्स तो आपने ही मुझे दिए थे, लेकिन जब देखा मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं उसी टाइम ऑर्डर कर दिया। बहुत सारे सेलर के पास अवेलेबल थी अलग अलग प्राइस में, लेकिन मैं जिस सेलर का कोड आपको दे रही हूँ आप वहीं से परचेज करना, इस तरीके की साड़ी रिसीव होगी। बिकॉज होता क्या है, मीशो पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है, सबको अलग अलग प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हो। तो आप रिव्यू देख के ही परचेज कीजिए। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बता देती हूँ, जो कि आप बहुत ही अच्छा था, इसमें आपको डिजाइनर ब्लाउज देखने को मिलेगा। लुक एट दिस, एक तो एक पूरी साड़ी है जो फ्लोरल प्रिंट में है, एंड पूरे पे आपको इस तरीके के रोजेस बने हुए दिख जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ये पूरे पे आपको इस तरीके के सिक्वेंस मिल जाएंगे, ये छोटे छोटे इन्होंने पिंक कलर के सिक्वेंस इस पर लगवाए हुए हैं। एक तो ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज बनेगा स्टिच करवाने के बाद। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ, 1 meter के आसपास फैब्रिक है, एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। और इसका फैब्रिक है टेफेटा सिल्क के ऊपर, ये पूरा काम किया गया है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसे स्टिच करवा सकते हैं। आप चाहे 3/4 में कुछ भी डिजाइन मिक्स करा के आप कैसे भी इसे स्टिच करवा सकते हैं, जैसे आपको करवाना हो। काफी इनफ फैब्रिक है, प्लस बनने के बाद काफी हैवी ब्लाउज बनेगा। तो ये तो इसमें इन्होंने ब्लाउज दिया है। एंड साड़ी बताने से पहले, हाँ, बहुत सारे लोग आज के आउटफिट के बारे में पूछेंगे, तो ये है क्राफ्टन स्टाइल कुर्ती, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अगर नहीं देखी है ये वाली वीडियो, आप जल्दी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ती है, प्लस ये जो है मैंने आभूषण स्टोर से पिक किया था। आभूषण स्टोर की ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो, रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। लुक एट दिस, इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिलेगी। जब मैंने इसे पिक्चर में देखा, देखते ही मुझे फर्स्ट टाइम में ही इतनी ज़्यादा पसंद आ गई ये वाली साड़ी। ये पूरी साड़ी आपको फ्लोरल प्रिंट में मिलेगी एंड जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। पूरे पे आपको रोजेस देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको ये आंचल इसमें दिया हुआ है, आंचल पे आप देख सकते हो ना, इस तरीके के सिक्वेंस लगाए हुए हैं, प्लस कट वर्क किया हुआ है, कुछ इस तरीके का आपको काम देखने को मिल जाएगा। ये आपको पूरी साड़ी में देखने को मिलेगा, और पूरी साड़ी आपको प्लेन देखने को मिल जाएगी बस, और पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा नीचे बॉर्डर में चारों तरफ। तो उस अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्लाउज इन्होंने काफ़ी हैवी रखा है, तो साड़ी को इन्होंने थोड़ा लाइट रखा है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड ये साड़ी ऐसी है कि आप इसे किसी भी फंक्शन वगैरह में कैरी कर सकते हो। सिक्वेंस आपको एक बार पास से बता देती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे सिक्वेंस लगाए हुए हैं और इतने अच्छे से लगाए हुए हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं अट रहे हैं। तो ये है जो साड़ी, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, जिन भी लोगों ने कोड दिया था आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल साड़ी है। सभी की रीसेलिंग प्राइस, मीशो प्राइस आप यहाँ पे चेकअप करते रहना। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने आपकी डिमांड पे पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, ये कुछ इस तरीके की एक कुर्ती स्टाइल जैकेट स्टाइल ड्रेस है, जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा। इसका कोड भी शायद 1-2 सब्सक्राइबर्स ने दिया था मुझे, लेकिन उस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फाइनली अब मुझे मिल गई है ये वाली ड्रेस, और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलेगी। देखने पे ड्रेस काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है, ट्रेंडी लग रही है, एंड कुछ इस तरीके की ये ड्रेस देखते हैं अब कैसी निकली है। बाकी
मैं मुझे बस ये था कि यार ऑर्डर करूँ और बस ड्रेस ही आनी चाहिए, कुछ और नहीं आ जाए, वो चीज़ थी क्योंकि मुझे ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुर्ती से। ओके, इस तरीके की आपको, आपने एक बार फुल लुक आप मेरा साइड में देख लेना पहनने के बाद ये वाली ड्रेस कैसी लगी है। फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको पीच कलर की स्लीवलेस कुर्ती देखने को मिल जाएगी अंदर की साइड, ऊपर से इसमें जैकेट दिया हुआ है तो स्लीवलेस है एंड कुछ इस तरीके का फ्रंट देखने को मिलेगा। फ्रंट आपको एग्जैक्ट साइड में क्लियर हो जाएगा, जैसा पिक में दिया है ना एग्जैक्ट आपको वैसा फ्रंट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ये पूरी कुर्ती जॉर्जेट फैब्रिक में है पीच कलर में, अंदर की साइड प्रॉपर आपको सैटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। एक तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, प्लस फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, लुकिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो आपको पहनने के बाद में इसका लुक है ना समझ में आएगा। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट एंड डिज़ाइनर ड्रेस लगी है। और इसमें जो ऊपर की साइड इन्होंने जैकेट दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। कुछ इस तरीके की आपको इसमें जैकेट देखने को मिल जाएगी। लुक एट दिस, 3/4 स्लीव्स में जैकेट है, ये पूरी ऑरेगंजा सिल्क में जैकेट है, ओपन जैकेट मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई क्लोजर देखने को नहीं मिलेगा, अंदर की साइड प्रॉपर साटिन की लाइनिंग लगाई हुई है एंड फुल एम्ब्रॉयडेड है। इस तरीके की आपको कलरफुल एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, बैक में भी फ्रंट में भी, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी पहनने के बाद। इस तरीके की ड्रेसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत ही यूनिक सी ड्रेस है। एंड ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है ना ये थ्रेड से की हुई है और काफ़ी नीटली की हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये ड्रेस। एंड कुछ नया पैटर्न है तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ एंड आपके साथ शेयर करती हूँ। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाला कुर्ता सेट। एंड यार है ना, मुझे पिक में देखने पे ये वाला कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। पहले तो पूरा कुर्ता सेट नेवी ब्लू कलर में है एंड तो स्टार्ट करते हैं कुर्ती से। इसमें आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि मैंने ये जो मिरर्स है ना ये रियल मिरर एक्सपेक्ट किए थे या फिर वाइट कलर के फॉयल मिरर, पर ये आपको कुछ येलोइश शेड में देखने को मिलेंगे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। प्लस कुर्ता सेट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पैटर्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार ये चीज़ अगर वो वाली होती ना तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये वाला कुर्ता सेट। पर आपको इस तरीके की कुर्ती इसमें देखने को मिल जाएगी, रेयन फैब्रिक में है, स्ट्रेट कुर्ती है। आपको नीचे की साइड इस तरीके की पैंट देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक वाली पैंट है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। पैंट का भी जो फैब्रिक है रेयन फैब्रिक है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, समर्स के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी ड्रेस है। आप इसे कैजुअल में भी पहन सकते हो और पार्टी वगैरह में तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ड्रेस है तो उस अकॉर्डिंग अगर आप ले सकते हो। बस वही नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, तो अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो डेफिनेटली ले सकते हो, क्वालिटी तो अच्छी है। एंड इसकी भी मीशो प्राइस रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और इसमें आपको जो दुपट्टा मिलेगा ना वो नेट फैब्रिक में आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का दुपट्टा इन्होंने दिया हुआ है। एंड ये पूरा दुपट्टा आपको 2.25 मीटर का देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं कहीं पे इन्होंने बूटे बनाए हुए हैं और एक तरफ आपको इसमें इस तरीके की वही सेम लेस देखने को मिल जाएगी, ओनली वन साइड मिलेगी। तो ये है जो नेक्स्ट कुर्ता सेट मैंने पिक किया है, लेकिन मैंने इसको और अच्छा एक्सपेक्ट किया था तो वैसा मुझे नहीं मिला है ये वाला, चलो कोई नहीं। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक अफोर्डेबल प्राइस में साड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना इस वाली साड़ी के लिए बोल रहे थे, पर इसमें वो कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। मुझे ये ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये 300-350 के आसपास साड़ी है तो उस अकॉर्डिंग यार क्या आता है, लेकिन मीशो पे आपको काफ़ी अच्छी सी साड़ी मिल रही है। कोई कोई सेलर तो ऐसे है ना कि इतनी कम प्राइस में भी इतनी अच्छी साड़ी दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड ये वाली साड़ी है ना है सिंपल, नेट में आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके की साड़ी है जब आप कंट्रास्ट के ब्लाउज के साथ पेयर अप करते हो, लाइक इस वाली साड़ी को आप मैरून वेलवेट ब्लाउज जो मेरा है ना मैंने कल ही आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर उस ब्लाउज के साथ पेयर अप करोगे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। प्लस आप इसे एक अच्छे से क्लच के साथ एंड सिल्वर ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लुक हो जाएगा। तो इस तरीके की आपको वाली साड़ी मिलेगी, पूरी नेट में है एंड 5.5 मीटर की साड़ी है। आपको बीच बीच में से फ्लावर्स वाला डिज़ाइन दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, प्लेन है लेकिन स्टाइल करने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसमें ही आपको अंदर की साइड अटैच ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, ये इन्होंने 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज इसमें अटैच किया हुआ है जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। लेकिन आप इस वाली साड़ी को कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ ही पेयरअप करना जब ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। इस वाले ब्लाउज के साथ पेयरअप करने पर कुछ खास लुक नहीं आएगा, वो काफ़ी अच्छा लगेगा जो मैं आपको लुक बता रही हूँ। आप एक बार साइड में प्रॉपर देख लेना, मैं भी उसे वैसे स्टाइल करने वाली हूँ तब आपको प्रॉपर एक बार आइडिया हो जाएगा। तो ये है साड़ी जो
की है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। एंड ऐसी साड़ी है नॉर्मल में भी पहन सकते हो, पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी कम प्राइस में। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। नेक्स्ट लास्ट मैंने पिक किया है वो भी है एक काफ्टन कुर्ती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पहनने के बाद, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, प्लस फैब्रिक भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने मल्टी कलर में पिक किया था और एक मुझे ना ब्लू कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक पिंक कलर भी है, अगर आप वो लेना चाहो ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको, इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिल जाएगी। ये ओनली व्हाइट एंड डार्क ब्लू कलर के शेड में है, फिर लाइट ब्लू कहीं पे व्हाइट, तो उस अकॉर्डिंग ना पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छी है, प्लस स्टाइलिश है, कंफर्टेबल है। इसे आप कैसी भी ज्वेलरी के साथ पेयर अप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक हो जाता है। एंड जीन्स पहन सकते हो इसके नीचे, या फिर आप पैंट वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो, अगर आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा सा एक स्टाइलिश सा लुक लगता है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगती है, इस तरीके की कुर्तियाँ होनी चाहिए एक दो आपकी वार्डरोब में। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें वो सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना। मुझे ये वाला प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सारे प्रिंट इसमें एक से बढ़ के एक है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसकी भी प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वॉश करने के बाद उल्टा ऐसा नहीं है श्रिंक होगा, काफ़ी अच्छा फैब्रिक रहेगा। और ये वाली कुर्ती ऐसी है लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप ले सकते हो। तो ये है नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके बताओ, मुझे आएगा पसंद, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।